दंगे की आंच में आखिर क्यों पकौड़ा तलने को बेताब है आजम खान? क्या आजम अब अपने तरीके से दंगे की आग में अपनी राजनीति गर्म करना चाहते हैं? आजम खान ने कासगंज के दंगों और पीएम के पकौड़ों को मिक्स कर दिया है। वैसे तो आपने प्याज पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा का नाम सुना होगा, लेकिन ये आजम स्टाइल का दंगा मिक्स पकौड़ा है। जी हाँ, आजम खान अब अपने तरीके से कासगंज के हालिया दंगों का विश्लेषण कर रहे हैं और आजम खान के इसी विश्लेषण ने उन्हें एक नए विवाद में डाल दिया है। कासगंज के दंगों पर बात करते करते आजम खान पकौड़ा क्यों तलने लगे और इस पकौड़ा तलाई में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों आ खड़ा हुआ, आपको बताते हैं। दरअसल आजम खान रामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर नरेंद्र मोदी के पकौड़ा वाले बयान का मजाक उड़ाने के लिए पकौड़ा तलने का एक दूसरा ही प्रोग्राम चल रहा था। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी इस पकौड़े के बहाने पीएम मोदी पर चुटकी ली। अपने बयान में आजम खान ने कहा कि देश को बचाने का एक तरीका ये है कि पीएम की सलाह पर लोग पकौड़ा बेचें और पैसा कमाएं। मोदी जी देश के दंगा फसाद करने वाले बहुसंख्यकों को काम दे दें ताकि वो इस तरफ न जाएं। देश खुली एनार्की की तरफ चला गया है। पकौड़ा बनाने को रोजगार कहने के पीएम के बयान पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि पीएम के इस बयान को व्यंग न माने, ये एक अच्छा मशवरा है, हम इस मशवरे का स्वागत करते हैं। पार्लियामेंट से बिल पास कराकर बहुसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार दें ताकि वो किसी गली मोहल्ले में घुसकर आतंक न फैलाएं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने इस तरह का बयान दिया हो। उनके विवादित बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। आजम खान इससे पहले भी कई मौकों पर पीएम के बयानों को लेकर तंज कर चुके हैं, लेकिन उनके इस ताजा बयान को सीधे तौर पर देश और समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।